नमस्कार सभी को जॉब स्टेडोलोजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है साथियों की वीडियो में आप सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनका भी आज मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है और जिनका इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा और कल जिनका भी एग्जाम होगा तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देर रात एच के द्वारा ऑफिशियल साइट पर नया नोटिस डाला गया है किस प्रकार का नोटिस है क्या कुछ बताया गया है जानने के लिए आप सभी इस वीडियो में बने रहें तो यहाँ से नोटिस के अंदर देख सकते हैं नोटिस टू दी कैंडिडेट फॉर नॉर्मलाइजेशन इन रिटर्न एग्जाम एग्जाम ओ एम आर बेसिड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टी दो हज़ार बाईस हरियाणा फॉर ग्रुप सी पोस्ट यानी कि जो पेपर होगा आपका ग्रुप सी के लिए सी टी का पेपर ठीक है उसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और इसका नोटिस यहाँ पर ऑफिशियल जारी कर दिया है ताकि कल को कोई कैंडिडेट जो अभी भर्ती के ऊपर केस ना करे नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो ये आपका नोटिस आ चुका है और ये नोटिस जारी किया गया था चार नवंबर 2022 को देर रात ये नोटिस जारी हुआ है एच की ऑफिशियल साइट के ऊपर और अब आपके पेपर के अंदर नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा ताकि जो भर्ती है वो कोर्ट केस में ना फंसे आपका जो सी का एग्ज़ाम होगा उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना लगे कि वहीं बाद में नोटिस जारी हुआ था नॉर्मलाइजेशन का एग्जाम पहले हुआ था ठीक है तो इसलिए इन्होंने पहले ही नोटिस जारी कर दिया कि इसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा ठीक है।, तो है, लगा है, है।, जा है।, है तो यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन लगाएगा यहाँ पर बताया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन के द्वारा यहाँ पर ये सब कुछ बताया गया ये पी डी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी वहां से जाके आप अपना चेक कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं एम बटा एन ठीक है गुना सो so. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट होंगे ठीक है और आपकी क्या परसेंटाइल बनती है क्या आपका रो स्कोर बनता है ठीक है वो सब कुछ ये परसेंटाइल आपका लगने वाला है तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी भाई इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें आगे शेयर करें आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक यू जय हिंद जय भारत